हाल सब कैसे हो? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो सुबह से आपको जानती दी जा चुके घर, क्योंकि 6 बजे की कैब थी तो हमने छोड़ाई थी। और अभी नाश्ता रेडी हो गया, हमारे मम्मी खा रहे पराठे। मतलब वैसे हल्के से सेके हुए हैं तो मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैं खाऊंगी मटर। तो आज कैसा लग रहा है आपको आंटी जी चले गए? सुना लग रहा है, है ना? बिल्कुल सुना। वो हो ही जाता है, तीसरा बंदा आता है तब घर में चहल पहल रहती है, बैठे रहते थे, कभी बात मारते थे, कभी तो नींद पूरी करे ना, पूरा एक हफ्ता होगा, 3-3 बजे सोते थे हम डेली, ऐसा काम होता। अब टाइम से सो गए? अब तो टाइम से सोना पड़ेगा। और कपड़े धोने की मशीन लगा दी मैंने, कपड़े धो कर फिर दुकान पे। और उधर लगा दी कपड़े धोने की मशीन, और इधर निकाल रही है तन्नू घी, जो कि है टिंडी का, आप इसको बना देंगे देसी घी, है ना? और ये भी है ना, तेल सारा निकाल के रखना है, ये तेल इतना वेस्ट हो रहा है तो इसके निकाल के रख देते हैं। आज मैंने किचन की पूरी अच्छे से सफाई की है, ये दीवारें वगैरह सारी साफ की, क्योंकि आंटी ने इसके वो ब्रेड वगैरह फ्राई किए थे, ब्रेड पकौड़े किए थे, वहाँ पे तेल लगा हुआ था, तो आज सारा अच्छे से साफ किया है। और इतने सारे बर्तन मांजे हैं, हमारे बहुत कम बनता है, तो बस अभी घी भी हमारा बन के है ना रेडी होने वाला है, फिर इसको निकालेंगे और रख देंगे फ्रिज। गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है कंप्लीट। मम्मी एक बार आज आए हैं तो बात कर लिया कुछ, और फिर मैं अभी नहाने जा रही, फिर बाद में मम्मी नहाएगी, नहा के पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद मम्मी कह रही मैं शॉप पे जाऊंगी, और शाम को आज एक बार घी पे मंगल पाठ मम्मी को बाजा के आना है। यहाँ भी गाइस मैंने नहा ली थी तो मैंने मिड्डी पहनी है, और यहाँ पे देखो मम्मी पी रही है शेक, और मैंने बनाया था। 2 बज गए हैं और मम्मी अब तक नहाई नहीं, मम्मी नहाएगी अभी, नहाऊंगी अब ना के फिर शॉप पे जाओगे? शॉप पे जाऊंगी मैं, सो के 8-9 बजे सो के जाओगे? ना ना ना, बस ही ना करनी, करूँ मौसम ठीक है ना थोड़ा सा। अच्छा, बड़ी धूप है थोड़ा सा, होगा मौसम आज ज्यादा गर्मी नहीं। और ये देखो हमने सारा साफ किया था, सारा गंदा कर दिया इन्होंने, शॉप पे जाने की तैयारी हो चुकी है, और मैं जा रही हूँ शॉप पे, और मैं नहा ली हूँ, बिल्कुल गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी, और जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी नींद है ना पूरी, एक हफ्ते की नींद हो रही है, नींद आ रही है मेरी, और मैं जाकर ना काम इतना निपटाना ही निपटाना। पसीना पसीना होगी अभी, इधर देखो धूप किस तरह आ रही है, और मैं बस लग जाती हूँ, मैं काम कर लूँ, साफ सफाई तो कर ली मैंने, और अब लगूंगी सिलाई पे। तो गाइस हमारे घर में ना मेहमान आ चुके हैं रात में, वो भी 9 बजे, क्योंकि मैं 10 बजे 9 बजे आए थे, ठीक है? और ये देख लो क्या देख ली है, कैमरा देखते नाराज हो गई थी मैंने, तब उसे ये कह दिया था मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तू तो बनाती नहीं, एक भी मैं नहीं बनाऊंगी, तुम्हारा झगड़ा मिटाने के लिए आए है ना? झगड़ा मिटाने नहीं आए, मैंने झगड़ा कर लिया था, मैंने कह दी थी मैं आज के मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू ब्लॉग नहीं बनाती, इन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए, बदनाम तो रही हो, किसका बदनाम है, कुछ तो करती नहीं है, बनाना पड़ेगा ब्लॉग। और तन्नू ना इसमें ना डाउनलोड करवा रही जी सिनेमा, क्योंकि हमें ना 2 दिन हो गया जी सिनेमा बाहर देख के आना पड़ता है, राहुल के घर गए थे कल हम देखने के लिए ना, जब ही कह रहा हूँ ले लिया, क्यों 15,000 रुपए ठुकुआ हमारे, 15 में और 30,000 मैं कौन ले भाई, फिर मन तो फिर तो एसी की ज्यादा जरूरत है, मैंने दुकान में ज्यादा, मैं दुकान में जल जाऊ, तू मन पुराना एसी दुआ लेना, कोई पुराना एसी पुराना, कोई बढ़िया सा दिन दो, कोई अमीर आदमी मन है, फाइनली हमारे फोन के अंदर जियो सिनेमा का रिचार्ज हो गया है, मतलब रिचार्ज पता पहले में करना नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा था, मन मेरा खराब कर देगा, अल्फाज अल्फाज ये तो कल का ब्लॉग है, नहीं लाइव चल रही है, तो ये इसका हर बार का डायलॉग होता है क्या, अल्फाज में दम होना चाहिए। तो हमने खाना तो खाया नहीं, क्योंकि अब मेरे को भूख नहीं थी और मम्मी को भी नहीं थी, तो अभी हमने मैंगो शेक पिया, और वहाँ पे लड़ाई हो चुकी है शुरू खाने के पीछे, मामा को किसी को खाना नहीं मिला है खाने की, खाना लोग पता है पहले तो सब किचन में घुस जाते हैं खाने के चक्कर में, अब हो चुका है 1 हफ्ते में 1 बार राशन आता है, अब वो राशन सिर्फ इतना सा बच गया, अब फ्रूट्स आएंगे तो फ्रूट्स खा के काम चला, वो बन लगे रहते हैं वेस्ट करते है, और भाई है ना अभी स्टार्टिंग में गया अभी थोड़ी वैल्यू नहीं है, वो धीरे धीरे करके जब वो, अब मामा यही कह रहे थे कि है ना, मतलब मामी और वो कह रहे थे कि आप लोग खाना बना ले, तो मामा कह रहे हैं किसी को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है जो खाना बनाते हैं उसे कितनी गालियां सुनने को मिलती है, बार बार पता है क्या टोंट मारेंगे, इसने मुझे कम खाना दिया, इसने मुझे, एक बात बताओ आप किसी को खाना बना के बांट रहे हो, अगर किसी को भी मतलब उसके दूसरे वाले के मन में क्या रहेगा, इसने उसको ज्यादा दिया है, तो इस चक्कर में अब डिस्कशन चल रहा है कैसे क्या करेंगे। तो गाइज रात के 1 बज चुके हैं, और ये बिग बॉस दिखाइए, अरे पागल होगी कसूती त्रिया अरे
के अब जाके पता क्या हुआ, किसी को खाना नहीं मिल रहा था तो संदीप मामा ने बैठ के पूरा मैटर सुलझाया कि जो वेज वाले हैं, जो वेज पड़ा है वो खा लो और नॉन वेज वाले अपना अलग बना लो, वेज वाले अपना अलग बना लो, वेज वाले नॉन वेज वालों की तरफ ही देखेंगे, नॉन वेज वालों की तरफ ही देखेंगे। अब जाके मैटर सोल्व हुआ, अब जाके खाना टाइम दिखा लोगा ना मेरा पटे है, टाइम दिखा देख लो। और पता है गोलू मामी और किस चीज की सब्जी खा रहे हैं, शिमला मिर्च और मेथी उबली हुई वो भी बिना कुछ गिरे भाई साहब। और पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या रिस्क ले रहे हैं, जितना भी कुछ पड़ा है ना सब सब्जी में गेर दिया और कल के लिए उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए सिवाय फ्रूट्स के। और अगर अगर उन्हें टास्क मिल गया ना तो अभी चार दिन तक कुछ नहीं मिलेगा और राशन वगैरह देखो भगवान भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं तो जल्दी सो गई थी, 11:30 सो गई थी और तन्नु सोई सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे इसका मम्मा की लाइव देख कर बिग बॉस देख कर जब सोई थी और मेरी हालत ऐसी हो रही थी, मैं से ना तो उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, इतना दर्द हो रहा पेट में, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और तीखा भी खा, मैं कुछ नहीं खा रही। आपको लगता होगा कि मैं तीखा खा रही, बिल्कुल नहीं खा रही मैं तीखा बिल्कुल भी। बस दो तीन दिन ये थोड़े से आटा टूक भाई छोटा छोटा टुकड़ा सा ले लिया था मैंने ब्रेड वगैरह का और उससे इतनी मिर्च भी नहीं थी उसमें, तो मैं तो इतना पेन हो रहा ना दवाई लग पा रही। आज खाली पेट जाना था, वो इतनी दूर है आसी रोड न ऊपर जाना है और हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। दवाई चेंज करवानी पड़ेगी और मतलब दवाई और ही लेनी पड़ेगी और एक बार मैंने टेस्ट दोबारा से करवाने पड़ेंगे, तकलीफ दोबारा बढ़ेगी क्योंकि खाते साथ है ना पेट में मरोड़े उठते हैं, खाते साथ पेट में इतने जोर इतने जोर का दर्द ना बैठा जा रहा है। अभी देख लो सूट काटने के लिए रखी इधर खाना बैठा जा रहा है। मॉर्निंग गाइस, तो बस मैं उठी हूँ और उठ के मैंने अंदर वाले रूम की झाड़ू निकाली है और अंदर किचन में सारे बर्तन साफ किए और मम्मी के लिए चाय बनाई है और मम्मी ने सारे सूट वगैरह कर दिए हैं कट करते हैं जी। आज मम्मी ने सारे सूट कर दिए कट कंप्लीट कर दिए और देख सारा निपटा कर दिया। हाँ, और अभी हमारी लक्ष्य से बात हुई थी कि हम आज आते हैं परेशान हो रहे होगे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं दीदी रहने दो भीड़ हो रही है पहले। बहुत अलग से बात हुई थी, गोलू की मम्मी से भी बात हुई थी, मखा भाई संदीप भी मैंने एक महीना पहले बोल के चले गया था, बोला सपना तू चले जाइयो महीने के लिए और रुक जाइयो। फिर मैंने अभी उससे बात करी थी लक्ष से और उसकी मम्मी से, इन्होंने बोली ना अभी तो कोई जरूरत नहीं है, आम है सारे के सारे और सोने की भी दिक्कत हो रही है उधर, सोने की भी जगह नहीं है। तो सूरज मामा से बात भी हुई थी, वो कह रही थी दीदी सोने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। मखा भाई हमारी जरूरत हो हमने बता देना, फिर भी मैं जाके आऊँगी, मैं अपना फर्ज निभा के आऊँगी। संदीप ने कहा था कि बच्चे संभाल के आइए, तो 4-5 दिन में मैं ना निकल रही हूँ, मेरे कल असल में तुम्हें कल चल पड़ा देख लेते हैं ठीक है, कल चल पड़ते हैं या परसों तैयारी कर लेंगे। 2-3 बार मैंने तो फोन भी कर लिया भाई, वो कह रहे कि हमने दीदी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे। तो गाइस काम कम्प्लीट हो चुका है, ये देखो काम बस हो ही गया है और मैं बना रही हूँ रोटी सब्जी, सूट मैंने कटिंग कर ली और 12 बज चुके हैं अभी तक काम नहीं हुआ। ओहो मेरा छोक जड़ गया, ये देखो दाढ़ छोक रही है। 12 बज चुके हैं, बस शॉप पे भी जाना है ना के, इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही ना शॉप पे, कूलर ना एसी कुछ भी नहीं है, लगवाना पड़ेगा कुछ नहीं लगवा रखा। और मैं सोच रही ये गर्मी निकल जाए अगली बार तो मैंने एसी लगवा लूँगी, थोड़ा सा ना ये ऊपर का घर करा था तो थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, मोबाइल ले लिया था तो मौका थोड़े इकट्ठे हो जाएंगे ना वैसे, और जब एसी वगैरह लगवा लूँगी। और इधर तन्नु बर्फ निकाल रही कैंपर में डालने के लिए, बात करी तन्नु को मखा बेटा ना आज से ना टूटी का पानी बंद कर देते, मैं ना ये कनके नहीं भर के ले आया करूंगी क्योंकि इस पानी में इतना गंदा आता है, इतना गंदा आता है, कई दिन हो गए ना मतलब 1-2 महीना हो गया इसमें ना जो टंकी का पानी आता ना इसमें 4 लाश पड़ी मतलब मरे हुए पड़े थे, बिल्कुल फूले हुए पड़े थे। उधर से किसी ने बताया उधर से मेरा ना पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं बोली बेटा देख इसका मुँह, नोली मम्मा हेडपम्प का पानी पिया, हाँ तो मेरा ना उस दिन से ना मैंने पानी पेट भर के नहीं पिया है, ऐसा दिल हो रहा है क्योंकि मैं शॉप पे जाके पानी पीती हूँ ज्यादा करके, तो और आज मैं ना इतनी बड़ी कैनी भर कर लेके आऊंगी भाई बिल्कुल नहीं पीऊँ पानी, क्योंकि इतनी बीमारी है इस पानी में बहुत ज्यादा बीमारी, क्योंकि एक तो टंकी खुली रहती है फिल्टर हो गया था ना फिर तो पी लेते हैं, फिल्टर हमारे घर है नहीं तो इस मारा अपना ना हेडपम्प का पानी लाओ और पियो। ऐसे दाल नहीं उबालते बेवकूफ, अरे दाल हमेशा आप उबालते हो ना, फिर मैं एक तो हड्डी डालती इसमें जब मैं करूँ, मैं पिछली बार बनाई थी मम्मी यार ये पीली क्यों नहीं हो रही, शायद मैंने ज्यादा उबाल दी बेचारी, इसमें हल्दी डलेगी बेटा नमक डलेगा, अब डल जाएगा छोक टाइम, थोड़ा सा घी डलता है छोक तो टाइम डल जाएगा क्योंकि छुट्टी भी रहेगी सिर्फ 1 तारीख तक छुट्टी रहेगी, 4-5 दिन की छुट्टी है, कितने क्या तारीख हो गया
22-23 तारीख का 10 दिन की लगा लो, सिर्फ 10 दिन की छुट्टियाँ रहेगी। आज काम निपटा लेती हूँ और शाम को या कल सुबह निकलेंगे या परसों सुबह, बस यही होगा। 2 दिन का टाइम दे मुझे, 2 दिन के बाद मैं उधर ही मिलूँगी आपको और इतनी तैयारी वगैरह कर लेते हैं। और कुछ तो ना, सूटों का इतना बर्डन हो रहा है, इतना बर्डन, क्योंकि मेरा काम है ना, ऐसा काम है। अब मैं 3 महीने नहीं गई ना, मतलब शॉप पर नहीं गई, पकड़ी होकर मैं मेरा आधे घंटे जाते हैं, क्योंकि मैं शॉप पर नहीं गई ना अब, मतलब 3-4 महीने गई, तो मेरे साथ में मेरी रंजिश में 2 दुकानें और खुल चुकी, क्योंकि ये हो गया कि सपना नहीं आ रही। और काम में भाई ये हो गया कि उसका काम का तुम फायदा उठा लो। एक भी शॉप नहीं थी, मतलब तीन शॉप खुल चुकी है, कि सब ने ये बोल दिया कि सपना नहीं आ रही, काम इतना ज्यादा है कि तुम शॉप खोल लो। मतलब आते हैं लोग, पूछते हैं, आते हैं, और यही बात हो जाए, कितने दिन पूछेंगे, मैंने 2 दिन पूछेंगे, 3 दिन पूछेंगे, 4th दिन तो दूसरे ग्राहक पे जाएंगे भाई, और जाए भी के, और सब अपनी किस्मत का खाते, मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब 10 आ जाओ कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरा नसीब का मिलेगा, उनको उसका नसीब का मिलेगा, बस यही है। थोड़ा बहुत जरा सा फर्क तो पड़ता ही है हर चीज पे, पड़ता है थोड़ा बहुत। सारी लेडीज कल फोन करके बोला थी सपना आ जा, और कल मैं 2 बजे गई थी ना, हाँ 2 बजे गई थी, 2 बजे इतनी बुरी हालत थी, बेहद मेरी बुरी हालत। बस आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप भी देखते रहो जियो सिनेमा, हमारी तरह हम भी देख रहे हैं। तो सारी रात देखे आज तो भाई, सारी रात देखी मैं भाई, झगड़ा होता रात को सही जम के, बिना बात झगड़ा करे खाना क्यों। अरे अभी तक तो बिग बॉस ने टास्क नहीं दिया लड़ाई करने का, जब ये हाल है, जब टास्क मिलेगा जब क्या होगा, क्या करेंगे, टास्क देगा बिग बॉस की, उससे आपको लड़ाई करनी है, बहस करनी है, लड़ाई करनी है और क्या, किसी बात को करो जी। हाँ बड़ा मेरे को तो अजीब सा लग रहा है की इतनी लड़ाई नहीं होगी जी बिग बॉस में, वो सामने बंदों की 10 बंदों की शक्लें देख देख के अपने आप लड़ाई करने का मन करता किसी का मुंह तो किस तरह चल रहा है। और ऊपर से पता है खाना ना मिले जो बंदे का वैसे दिमाग लाल होता है, अपने आप बोलते रहते हैं। तो गाइस मामा जी को फुल सपोर्ट करो, मामी जी को भी, जिसकी भी वोटिंग की टाइम आए सबको घर भर के वोट दो। तो जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।